वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। मान लेते हैं कोई वेक्टर ए है, अगर इसमें एरो लिखा है यानी इसका एक डायरेक्शन है, इस साइड में ये जा रहा है, ये इसका पार्ट होता है टेल और ये होता है हेड। इसको रिप्रेजेंट करेंगे, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर है ए, तो इसका जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इसके ऊपर एक एरो ऐसे लगा देते हैं, हेड है और ये टेल है, यानी कि इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं वेक्टर। सपोज दैट एक वेक्टर अगर ऐसे है, ये वेक्टर ए है, तो इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, सेम मैग्नेटिक, इसी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट हम ऐसे रिवर्स कर लेते हैं तो इसको बोलेंगे माइनस वेक्टर ए। ये हो जाता है अगर वेक्टर ए है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर है, उसका डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है। वैसे देखा जाए तो वेक्टर दो होते हैं, मान लो इसको क्या बोलेंगे हम, पैरेलल वेक्टर, और ये क्या होंगे, दो वेक्टर अगर ऐसे ऐसे हैं तो इनको बोलेंगे परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर दोनों वेक्टर एक के ऊपर एक ऐसे हैं, ये ए है और ये बी है, एक के ऊपर एक दोनों लगे हुए, इसको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। पैरेलल तो ठीक है, पैरेलल के साथ साथ एक ही लाइन पे हैं तो इसको बोलेंगे कोलिनियर, को लीनियर, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, इनको बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। अब हम यहां पे समझेंगे कि दो वेक्टर अगर हैं ए और बी, उनको हम कैसे ऐड करते हैं, कितने तरीके होते हैं उनको ऐड करने के। तो एडिशन के उनके दो तरीके हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन, एडिशन के दो तरीके होते हैं। पहला होता है ट्रायंगल फॉर्म, और दूसरा होता है पैरेललोग्राम। ट्रायंगल फॉर्म क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, उसको हमें देखना है, तो देखेंगे हम ट्रायंगल फॉर्म। जो ट्रायंगल फॉर्म मेथड होता है, सपोज ये दो वेक्टर अगर है यहाँ पे, वेक्टर एक ए है और एक वेक्टर है बी, कुछ ऐसे है बी, इनको आपस में ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, ये इसका हेड है और ये इसका टेल है, ये पॉइंट, और ये इसका टेल है, यहाँ पे हेड है। तो जो ट्रायंगल फॉर्म है ना, ट्रायंगल को ऐड करने के लिए यहाँ पे इस मेथड से ऐड करने के लिए हेड और टेल एक साथ होने चाहिए, हेड और टेल एक साथ होने चाहिए। अगर इनको इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा, ए बनाएंगे, ए ऐसे है, और ये क्या है, इसका जो बी का टेल है ए के हेड के साथ, देखा जाए तो इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये है, बट ये ऐसे लगता हुआ जाएगा, ये बी है। अब रिजल्टेंट क्या होगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट था पहला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट, इनको हम दोनों को ऐसे ऐड कर लेते हैं, तो ये होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखा जाए तो बी का टेल ए के हेड के साथ कनेक्टेड है, इस तरीके का सीन होना चाहिए तब जाके ट्रायंगल फॉर्म लगता है। अगर कभी कभी दोनों हैं टेल, हेड और हेड एक साथ हैं, तो यहाँ पे हम लगा नहीं पाएंगे, यहाँ पे हम नहीं लगा पाएंगे, डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसके लिए कुछ करना है, हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इसका जो हेड है इधर कर लेंगे और टेल पीछे कर लेंगे, अब ये वी वेक्टर माइनस वी वेक्टर हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर सकते हैं, कैसे ऐड होगा, ए प्लस ये माइनस बी, तो बराबर हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, कुछ इस तरीके का। मैं यहाँ पे हटा के कुछ क्वेश्चंस करता हूँ।
क्वेश्चन ये है कि मान लो ये वेक्टर है ए, ए बी, ये है सी एंड ये है डी। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है इसका नेट, यहाँ से यहाँ तक। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, आर नेट क्या होगा वेक्टर के फॉर्म में, ये क्वेश्चन है। सॉल्व करिए इसको। अब देखा जाए तो पहले ए और बी का हम निकाल लेते हैं। ए का हेड बी के टेल के साथ कनेक्टेड है, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे मिला लेंगे, ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इसको हम हटा दें क्योंकि इनका रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है, इसको हटा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, वेक्टर ए प्लस बी का हेड ये पार्ट ये है और सी का जो है हेड यहाँ पे है, तो इसको हम क्या करेंगे टेल बनाएंगे, ये टेल बनाएंगे, इसका हेड यहाँ पे करेंगे और ये सी को लिखेंगे माइनस सी। अब इसका रिजल्टेंट यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, और अब इन दोनों का काम हो गया। अब देखा जाए तो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी ये है और ये है इसका एरो इधर है, तो दोनों हैं हेड और हेड एक साथ है, तो यहाँ पे लगेगा नहीं, तो इसको हम चेंज करेंगे, कुछ ये बना देंगे ऐसे, ये डी हो जाएगा माइनस डी और ये हो जाएगा टेल। अब इसका पॉइंट ये यहाँ से ले लेंगे, ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ये होगा रिजल्ट। रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे करते हैं ट्रायंगल फॉर्म में। आइए पैरेललोग्राम देखते हैं, पैरेललोग्राम वेक्टर क्या होता है। पैरेललोग्राम में होता है कि दोनों वेक्टर या तो उनके टेल टेल से कनेक्टेड होंगे और उनके बीच में एक एंगल होगा, कुछ थीटा एंगल पे वो टिल्टेड होंगे। सपोज दैट कि वेक्टर ए ये है और ये है वेक्टर बी, देखा जाए तो दोनों का टेल एक पॉइंट पे है और दोनों थीटा एंगल पे टिल्टेड है, दोनों के बीच में इंक्लाइनेशन कितने का है, थीटा डिग्री का है। अब यहाँ पे यूज करेंगे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम नाम है यहाँ पे, इसका नाम पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनना चाहिए। पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, अगर हम देखेंगे पॉइंट यहाँ पे, इसके जो है हेड से बी के हेड से ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, अगर इस पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ ये जाएगा, बन गया पैरेललोग्राम, और इनका नेट रिजल्टेंट कुछ ऐसे होगा आर नेट। तो ये आर नेट, इसकी जो वैल्यू होती है आर नेट क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये आंसर हो जाएगा। ये आया कैसे, ये फार्मूला आया कैसे, तो इसको हम डिराइव करते हैं, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे, और ये हो गया परपेंडिकुलर। अब देखा जाए तो जो ये वैल्यू है ये इसके पैरेलल है, लेंथ इसके बराबर ही होगा, ये होगा लेंथ बी, और जो ये एंगल है थीटा है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये कट कर रही है, तो ये थीटा एंगल हो जाएगा। अब ये देखा जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूस है और ये वाला बेस है, तो इसको लिखेंगे बी कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा। कैसे आ गया परपेंडिकुलर बी साइन थीटा, और ये तो देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस दैट इज साइन थीटा, पी अपन बी इज इक्वल टू साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी बी साइन थीटा। यहाँ पे है बेस अपन हाइपोटेन्यूस, तो बेस बी ही है अपन हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे कैपिटल बी इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे बेस मिल गया और ये परपेंडिकुलर मिल गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ से ये पूरा, इसको मान लेते ओ और ये हो गया पी और ये हो गया एम, ओ पी एम, ओ पी एम में ओ एम हमारा हो गया रिजल्टेंट
OM रिजल्टेंट हो गया, इसका स्क्वायर OP, OP का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, और ये जिसे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ये हो गया OP की जो वैल्यू है, OP की वैल्यू A प्लस बी कॉस थीटा, इसमें लिखेंगे A प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा B साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे होल स्क्वायर को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, अच्छा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम, बच जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, और ये हो जाएगा टू ए बी कॉस थीटा बच जाएगा यहाँ पे, टू ए बी कॉस थीटा ये यहाँ पे बच जाएगा। तो ओ एम जो हमारा है, ये ओ एम का स्क्वायर, ओ एम हमारा रिजल्टेंट आ गया आर, तो यहाँ पे आर रिजल्टेंट आर नेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट वाली वैल्यू वन हो जाएगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा ये बन गया। तो यहाँ पे आर नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ये है इसका फार्मूला पैरेललोग्राम में। इसमें से कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे वेक्टर ए है और वेक्टर बी, दोनों यहाँ पे परपेंडिकुलर हैं ऐसे, तो इनका आर नेट क्या होगा। फार्मूला हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस, यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर, ये आर नेट हो जाएगा। मान लेते हैं कि दो वेक्टर हैं, ए है और ये बी है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे नहीं रखेंगे, इसका रिजल्टेंट कुछ नहीं होगा क्योंकि कोलिनियर नहीं है ना। मान लेते हैं एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर है ये बी, दोनों के बीच में एंगल क्या है जीरो, तो यहाँ पे आर नेट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में प्लस टू ए बी कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस जीरो की वैल्यू वन, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगी वैल्यू ए प्लस बी आर नेट, ये चीज। अगर दोनों को हम 30 डिग्री पर रखते हैं तो क्या होगा, मान लेते हैं वेक्टर अगर एक ये यहाँ पे है ए और एक वेक्टर है ये यहाँ पे बी, दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री, तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 180, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस वन। ग्राफ से आप देख सकते हो कुछ ये है 180, ये 90 डिग्री और ये है 0 डिग्री और ये है 270 एंड 360 पे ये होता है प्लस वन। तो 180 पे माइनस वन इसकी वैल्यू ये है, तो यहाँ पे रखेंगे कॉस 180 माइनस वन, तो माइनस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा ए माइनस बी आर नेट ए माइनस बी। अब हम देखते हैं कि 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पर रखते हैं, ए और बी 60 डिग्री पे हैं और ये है ए, इसमें क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा ब्रैकेट में वही रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 60, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू 2ab cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये अंडर रूट के अंदर ही होगी वैल्यू, दिस इज द आंसर। अब मान लेते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा है, वेक्टर ए है, ये 120 पे है, p दोनों के बीच में एंगल डिग्री दिया है 120। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? सेम फार्मूला यूज करेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 120, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस 120 यानी कि टू ए बी कॉस 120 कितना होता है? कॉस 90 प्लस 30। अब देखा जाए तो कॉस का जो वैल्यू होता है 90 प्लस करेंगे, जैसे ही ये 90 है, ये 90 से जैसे प्लस करेंगे वैल्यू निगेटिव आ जाएगी और ये माइनस साइन 30 इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आर नेट। इस तरीके से पैरेललोग्राम के हम क्वेश्चन सॉल्व